वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ये आप लोगों का जो है वो चैप्टर नंबर 8 है। इट इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। सबसे पहले एक्चुअली इस चैप्टर में जो है वो दो पार्ट में आपको स्टडी करना है। सबसे पहले रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है और फिर उसके बाद में सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली ये न्यू सिलेबस में एक न्यू चैप्टर है। पुराने सिलेबस में सिर्फ सर्कुलेशन वाला चैप्टर हुआ करता था, जिसमें आपको सिर्फ हार्ट रिलेटेड या ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन अब रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में पहले रेस्पिरेशन और फिर उसके बाद में सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन जो है ये इसीलिए ये जो है ये क्या कहेंगे हम उसको, दोनों कंबाइन किए गए हैं क्योंकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इनका सप्लाई करने के लिए जो है वो यूज़ होता है एज अ बॉडी फ्लूइड। तो इसीलिए ये दोनों टॉपिक को जो है वो एक दूसरे से जोड़ा गया है, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के थ्रू जो है वो हम देखने वाले हैं कि रेगुलेटिंग ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग की प्रोसेस जो है वो कैसे रेगुलेट होती है। ठीक है, तो ये हमको आज देखना है। नाउ देखिए, सो हमारा आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग ये हमारा आज का टॉपिक है। अब देखो, जो भी हम बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये दो चीज़ों के कंट्रोल में होती है। मतलब हम जो रेस्पिरेशन करते हैं ये दो चीज़ों के कंट्रोल में होती है, एक नर्वस और दूसरा है केमिकल। मतलब केमिकल और नर्वस। नर्वस यानी आपका ब्रेन जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद में केमिकल मतलब जो भी हॉर्मोन्स, फेरोमोन्स केमिकली जो तैयार होते हैं आपके बॉडी में, दैट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब ब्रीदिंग को रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करने के लिए। देन ह्यूमन एडल्ट्स ब्रीथ अबाउट 12 टाइम पर मिनट, वाइल अ न्यू बॉर्न अबाउट 44 टाइम्स पर मिनट। मतलब जो भी एडल्ट, जो बड़ा पूरी तरह से मैच्योर बॉडी है, वो 12 टाइम्स ब्रीथ करता है एक मिनट के अंदर। मतलब एक मिनट के अंदर कम से कम उसकी 12 बार ब्रीदिंग होती है। वहीं जो छोटा बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है एंड इट इज़ अबाउट 44 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में वो 44 टाइम्स जो है, हम बोल सकते हैं कि डबल से भी ज़्यादा जो है वो उसका ब्रीदिंग, मतलब एडल्ट के कंपैरिजन में न्यू बॉर्न बेबी का जो भी ब्रीदिंग प्रोसेस है ये जो है ये डबल्ड होता है। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग इज़ एन इनवॉलंटरी प्रोसेस। स्टेडी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय नर्वस न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द पॉन्स एंड मेड्यूला एंड आर नोन एज द रेस्पिरेटरी सेंटर। नाउ देखो क्या बोल रहे हैं कि जो भी ये पूरी प्रोसेस है, एज वी नो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है ये इनवॉलेंटरी है। इनवॉलेंटरी का मतलब क्या होता है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप होता है। आपको कमांड नहीं देना पड़ता है आपके बॉडी को कि अभी ब्रीदिंग स्टार्ट करो करके, ठीक है, या अभी ब्रीदिंग को स्टॉप करो। तो ये एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस है। प्लस ये इनवॉलेंटरी प्रोसेस जो है वो हमारे ब्रेन द्वारा पॉन्स वेरुला एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है दैट इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ अवर ब्रेन, हमारे हाइंड ब्रेन का सबसे लास्ट हिस्सा है जो आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड के तौर पे जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। वहीं पॉन्स वेरुलाई भी हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है। तो ये दो ऐसे पॉइंट हैं या दो ऐसे हिस्से हैं जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, कौन? पॉन्स एंड मेडुला। मेडुला और पॉन्स जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाते हैं। इट रेगुलेट्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। मतलब ब्रीदिंग को जो है वो रेगुलेट भी करते हैं और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, मतलब आप जोर से सांस लेते हैं, जोर से सांस छोड़ते हैं, ये भी वही कंट्रोल करते हैं। इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स, दैट इज डॉर्सल ग्रुप ऑफ, तीन ग्रुप में ये डिवाइड हुए हैं। डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन द मेड्यूला, मतलब पहला जो ग्रुप है वो है मेड्यूला के जो न्यूरॉन्स होते हैं डॉर्सल साइड। डॉर्सल मतलब होता है सामने का हिस्सा। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी सेंटर, मतलब जब हम इनहेल करते हैं, इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है? इनहेलेशन। ठीक है, तो जब हम इनहेल करते हैं तो वो जो सेंटर है वो कहाँ है? न्यूरॉन्स ऑफ मेड्यूला। देन इसके बाद में वेंट्रोलैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इन मेड्यूला, मेड्यूला का वेंट्रोलैटरल,
लैटरल, वेंट्रो लैटरल मतलब पिछला और साइड का, वेंट्रल एंड लैटरल पार्ट ऑफ मेड्यूला विच एक्ट एज इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी सेंटर, मतलब ये दोनों का काम करते हैं, सांस अंदर लेना और सांस बाहर रिलीज करना, इसको ये दोनों कंट्रोल, मतलब ये दोनों इसके कंट्रोल में होता है। एंड तीसरा जो है दैट इज निम्नोटैक्टिक टैक्सिक सेंटर लोकेटेड इन द पॉन्स, ठीक है, और पॉन्स वेरुलाय में जो है वो निम्नोटैक्सिक सेंटर होता है, ठीक है, जो लिमिट्स इंस्पायरेशन, मतलब आपको कितना अंदर सांस लेना है उसकी लिमिट जो है वो कौन तय करता है, पॉन्स वेरुलाय का ये हिस्सा। स्लो वेव्स स्लीप एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। नाउ देखो क्या बोल रहे हैं कि ये पहले जो है प्राइमरीली ये इंस्पायरेशन को लिमिट करता है, उसके बाद में ये स्लो वेव स्लीप एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, मतलब जब आप कामली सो रहे हो उस समय में, या फिर जो है वो रैपिड मूवमेंट ऑफ योर आई, एकदम से आपकी मूवमेंट जो है वो आंखों की, देखो आप कभी कभी जो है वो आप सोए होते हो बट फिर भी आपके जो पलके बंद होती है बट आपके आंखों की मूवमेंट हो रही होती है, तो ये जो है ये कब हो रहा है, ये पॉन्स वेरुलाय जो है ये कंट्रोल कर रहा है तब हो रहा है, ठीक है। देन अपनेस्टिक सेंटर इन द एपनेस्टिक सेंटर इन द मेड्यूला इज एंटागोनिस्टिक टू द निम्नेक्टिक सेंटर, इट कंट्रोल्स नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड वेकफुलनेस, मतलब जब आप जो है वो सोए होते हो बट फिर भी जो है एकदम से आप क्या हो जाते हो कि कुछ भी आवाज़ हुई तो एकदम से उठ जाते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आँखों की रैपिड नॉन रैपिड आई मूवमेंट, मतलब जब आपकी आँखों की मूवमेंट इतनी रैपिडली नहीं हो रही है तो ये भी जो है वो पॉन्स वेरुलाय ही कंट्रोल करता है। लेकिन अब यहाँ पे ये कौन सा सेंटर था, निम्नोटेक्स सेंटर था और ये एपनेस्टिक सेंटर था, सेंटर है जो क्या कर रहा है, नॉन आई मूवमेंट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और रैप नॉन आई रैपिड मूवमेंट, और जो ये है वो रैपिड आई मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। देन इसके बाद में इट कंट्रोल्स नॉन आई रैपिड मूवमेंट स्लीप एंड वेकफुलनेस, वेकफुलनेस मतलब जब आप उठे हुए हो तो, या अलर्टनेस आप सोए हो बट फिर भी आपको थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो आपकी आँख खुल जाती है, इस तरह का जो कंट्रोल है, क्योंकि कभी कभी देखो आपको जो है वो आप सोए हुए होते हो बट फिर भी आपके ब्रेन को ये सेंस होता है कि व्हाट इज़ द टाइम नाउ, आपको उठना है या नहीं उठना है, तो उस तरह से ये सारी चीज़ें, कभी कभी आप देखो कि आप सोने के पहले अलार्म लगा के सोते हो लेकिन जब आपकी आँख खुलती है अलार्म बजने के पहले ही खुल जाती है, तो ये सारा जो ब्रेन का टाइमिंग मैनेजमेंट है ये कौन करता है, पॉन्स वेरुलाय करता है, ठीक है। यहाँ पे वही बताया है, देखो आपको ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रेन के स्ट्रक्चर में पॉन्स और मेड्यूला ये दोनों ही जो है वो हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेड्यूला है वो आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड में रन हो जाता है और पॉन्स वेरुलाय उसके थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। तो मेड्यूला जो है यहाँ पे देखो, दीज आर द ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर, ये दोनों ही जो है वो ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो भी हार्ट है, ठीक है, हार्ट के द्वारा ही दोनों चीज़ें जो हैं वो सप्लाई होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से गुजर के लंग्स में जाता है बाय मीन्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, और ऑक्सीजन भी जो है वो आपके ब्रेन सेल्स को पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन ब्लड एक्ट्स डायरेक्टली, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में बढ़ गया उसका कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका एक्ट जो है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। देन नर्व इम्पल्स फ्रॉम ऑक्सीजन सेंसर इंडिकेटिंग ऑक्सीजन डिक्रीज। अब क्या हो रहा है कि जो भी नर्व इम्पल्स, मतलब जो भी ब्रेन है, ब्रेन के जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो क्या करते हैं, इम्पल्स, इम्पल्स मतलब क्या, एक मैसेज जनरेट करते हैं जो ऑक्सीजन सेंसर होते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन को सेंस कर सकते हैं, और वो बताते हैं कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है इसका मतलब ऑक्सीजन कम हो गया है, ऑक्सीजन कम होने की जानकारी जो है वो नर्व इम्पल्स द्वारा दी गई जाती है, और ये नर्व इम्पल्स जो हैं इनमें ऑक्सीजन सेंसर्स होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में देखो, हमें पता है कि जो भी हमारा हार्ट कहाँ पे है,
या हमारे चेस्ट के अंदर, अब यहाँ पे वो चीज़ जो है, देखो हम सांस अंदर लेते हैं, दिस इज़ डायफ्राम, यहाँ पे देखो ये वाला जो हिस्सा है दिस इज़ डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम जो है ये इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं ये नीचे हो जाता है, जैसे ही हम सांस ऊपर छोड़ते हैं तो ये वापस बाउंस बैक हो जाता है। तो डायफ्राम जो है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इसके अलावा जो हमारा रिब केज है इसके आजू बाजू में जो है वो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं विच ऑल्सो प्लेज, आप जब भी सांस अंदर लेते हो बाहर छोड़ते हो तो आपकी छाती जो है वो फूलती है, मतलब अंदर हो जाती है, फूलती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस मसल, ठीक है। देन इसके बाद में इंटरकोस्टल नर्व्स, तो ये इंटरकोस्टल नर्व्स जो हैं वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, प्लस जो भी डायफ्राम है, डायफ्राम देखो नर्व इम्पल्स ट्रिगरर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि आप सांस अंदर कब लोगे, रिलीज कब करोगे, जब मस्क्यूलर एक्टिविटी होगी, और ये मस्क्यूलर एक्टिविटी जो है वो भी आपके ब्रेन द्वारा पॉन्स और मेड्यूला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जो आपको डायग्राम बताया था उसी के बारे में है ये। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन व्हेन द लंग्स एक्सपांड टू अ क्रिटिकल पॉइंट द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड एंड इम्पल्सेस आर सेंड अलोंग द वेगस नर्व टू द एक्सपायरेटरी सेंटर, इट देन सेंड्स आउट इनहिबिटरी इम्पल्सेस टू द इंस्पायरेशन सेंटर। जब आप सांस अंदर लेते हो, सांस जब आप अंदर ले रहे हो तो आपके लंग्स फूल जा रहे हैं, क्योंकि आप सांस अंदर ले रहे हो तो लंग्स में जो है वो एयर जा रही है। अब जब लंग्स जो हैं वो इतने ज़्यादा फूल जा रहे हैं कि उनकी लिमिट तक पूरी तरह से स्ट्रेच हो गए हैं, ऐसे समय पे जो है वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, फिर स्टिमुलेट होंगे, ठीक है, और वो एक इम्पल्स तैयार करेंगे, जो इम्पल्स जो है वो वेगस नर्व द्वारा एक्सपायरेटरी सेंटर के पास जाएगी, ठीक है। और जब ये एक्सपायरेटरी सेंटर के पास जाएगी तो वो जो है वो इंस्पायरेटरी सेंटर को क्या करेगा, इनहिबिट मतलब रोकेगा कि भाई अब सांस अंदर लेनी नहीं है, अब सांस बाहर छोड़नी है। क्यों? क्योंकि आपके जो लंग्स हैं उनकी जो लिमिट है उतने लिमिट तक एयर अंदर आ चुकी है, अब उसके बाद में नाउ यू हैव टू एक्सपायर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जितना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उतना लेट नहीं, ये फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में होने वाली प्रोसेस है, ठीक है। देन द इंस्पायरेटरी मसल रिलैक्स एंड एक्सपायरेशन फॉलोज, और ऐसे समय में फिर इंस्पायरेटरी मसल जो सांस अंदर लेने के लिए जो मसल एक्टिव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, और एक्सपायरेशन मतलब सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया होती है। एज एयर लीव्स द लंग्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द लंग्स आर डिफेक्टेड एंड द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर नो लॉन्गर स्टिमुलेटेड। अब देखो जब लंग्स में से एयर बाहर चली गई है तो ऐसे समय में लंग्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, डिफ्लैटेड, क्या हो गए हैं, डिफ्लैटेड मतलब जब आप बलून में हवा भरते हो तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। जब बलून में से हवा चली जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, मतलब हवा खाली हो जाएगी, तो उस क्या कहेंगे हम उसको, उस प्रोसेस को या उस स्ट्रक्चर को हम डिफ्लैटेड मतलब बिना हवा वाला, ठीक है। तो लंग्स में से जब हवा चली जाएगी मतलब बाहर एक्सपायर हो जाएगी, तो ऐसे समय में जो है वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेटेड नहीं होते, अब वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो वापस से क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और ऐसे समय में फिर से क्या होगा, इंस्पायरेटरी सेंटर जो है वो इनहिबिट नहीं रहेंगे, नो लॉन्गर इनहिबिटेड, और फिर न्यू रेस्पिरेशन बिगिंस मतलब नए एयर जो है वो वापस से आपके शरीर में आएगी। मतलब क्या हो रहा है, जब आपके शरीर में लंग्स में एयर गई तो लंग्स फूल गए, लंग्स फूलने की वजह से जो है वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने मैसेज जो है वो एक्सपायरेटरी सेंटर को भेजा, एक्सपायरेटरी सेंटर को जब ये मैसेज मिला तो वहाँ पर इंस्पायरेटरी सेंटर को इनहिबिट कर दिया, मतलब इंस्पिरेशन को इनहिबिट कर दिया, और एक्सपायरेशन हुआ। जैसे ही एक्सपायरेशन हो गया लंग्स खाली हो गए, जिसकी वजह से अब स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो वापस से रिलैक्स हो गए, और फिर इंस्पिरेशन हुआ। इस तरह से जो है वो ब्रीदिंग की प्रोसेस चलती है। देन इसके बाद में आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो भी द इवेंट्स आर कॉल्ड हेरिंगबर्गर रिफ्लेक्स। ना देखो क्या बोल रहे हैं, हेरिंगबर्गर
रिफ्लेक्स, मतलब ये जो भी प्रोसेस है इसको डिस्कवर करने वाले ये साइंटिस्ट हैं और उन्हीं के नाम के पीछे इस प्रोसेस को ये रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब एक प्रोसेस हुई उसके बाद में दूसरी प्रोसेस हो रही है, तो ये एक एक्शन रिएक्शन इस तरह का ये मैशअप है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। देन द हेरिंग बॉरियर रिफ्लेक्स कंट्रोल्स द डेप्थ एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो भी रिफ्लेक्स है, मतलब इंस्पायरेशन हो रहा है, फिर स्ट्रेच रिसेप्टर तैयार हो रहे हैं, फिर एक्सपायरेशन हो रहा है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो वापस से रिलैक्स हो रहे हैं, फिर इंस्पायरेशन हो रहा है, ये जो भी प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन के रिदम को बनाए रखता है, कंट्रोल भी करता है और बनाए भी रखता है। मतलब हर बार आप जोर से सांस ले रहे हैं, जोर से छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो एक रिदम होता है कि आप कितने रिदम में या कितने डेप्थ में सांस ले रहे हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो, तो ये जो भी है ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है या रिफ्लेक्स जो है ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द लंग फ्रॉम इन्फ्लेटिंग टू द पॉइंट ऑफ बर्स्टिंग। ये जो भी प्रोसेस है जब स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिव होना, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर सांस जो है वो अंदर ले लोगे तो क्या होगा, उसकी वजह से जो है वो बर्स्टिंग भी हो सकती है, पॉइंट ऑफ बर्स्टिंग तक ना जाए लंग्स आपके, इसका ध्यान रखा जाता है बाय द क्या बोलेंगे हम उसको, रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स हैं? दे आर द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है। देन इसके बाद में द रेस्पिरेटरी सेंटर हैज़ कनेक्शन विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच मीन्स वी कैन वॉलेंटरीली चेंज अवर पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। देखो क्या बोल रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है हमारा, उसका हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो है वो क्या है, कनेक्शन है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब क्या होता है, जो भी हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम हमारे ब्रेन का दो पार्ट है, ठीक है। सेरिब्रम सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं उसको, आपने देखा होगा ब्रेन आपको इस तरह से दिखता है, दो ऊपर से अगर आप देखोगे तो दो हिस्सों में दिखता है, तो ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है। तो जो भी सेरिब्रम है या सेरिब्रल है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये दो भागों में बटा हुआ होता है, अंदर का जो हिस्सा है और बाहर का हिस्सा है। बाहर का जो है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर का जो है उसको मेड्यूला कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उससे हमारे ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी सेंटर का कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, जो वो ये बताता है कि वॉलेंटरीली हम हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो कभी कभी आपको कहा जाता है जब आप योगा करते हो तो आपको सांस रोकना है, फिर सांस छोड़ना है, गहरी सांस लेना है, तो ये किसकी वजह से हो पाता है? क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से है, इसीलिए, और हम इसको जो है वो कभी कभी वॉलेंटरीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वॉलेंटरी कंट्रोल इज प्रोटेक्टिव बिकॉज इट एनेबल्स अस टू प्रिवेंट वाटर और इरिटेटिंग गैसेस फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। और ये इसीलिए हुआ है ना सिर्फ योगा के लिए बट कि ये एक्चुअली ये नेचुरल प्रोसेस इसलिए क्योंकि कभी कभी अगर आप डूब रहे हो या आप पानी में स्विमिंग कर रहे हो या फिर आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे जहरीली या टॉक्सिक गैस है या अनवांटेड गैस है, वो आपके नाक के थ्रू, मतलब आपके नोज़ल के थ्रू जो है वो आपके बॉडी में ना जाए, आपके सांस के थ्रू आपके अंदर ना जाए, इसलिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। आप आपकी सांस रोक कर जो है वो इनकी एंट्री हमारे बॉडी में रोक सकते हो, तो इसीलिए ये सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी में नेचुरली होता है, ठीक है। तो वो आपके बॉडी में ना जाए, अगर बॉडी में जाएगा तो लंग्स में जाएगा और उसकी वजह से जो है वो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि आपकी डेथ भी हो सकती है। बट द एबिलिटी टू स्टॉप ब्रीदिंग इज ऑल्सो लिमिटेड बाय द बिल्टअप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। लेकिन आप ज़्यादा लंबे समय तक के जो है वो आपकी सांस नहीं रोक सकते क्योंकि आप जितने ज़्यादा लंबे समय तक सांस रोक के रखोगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना चाहिए आप उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हो, ऑक्सीजन तो अंदर नहीं आ रहा है लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना चाहिए उसे भी आप रोक रहे हो, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो है या बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और ऐसे इसकी वजह से भी आपकी डेथ हो सकती है। इसीलिए एक लिमिट है कि एक लिमिट तक के ही जो है वो आप वॉलंटरीली आपकी सांस को रोक सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद में है मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, ठीक है। मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कौन से हैं? सम रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मूवमेंट एंड हेल्प एक्सप्रेस इमोशन और क्लियर द एयर
पैसेज, ठीक है, कुछ ऐसे भी जो मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट है जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं. तो उसमें क्या होता है, आप एक नाक से सांस लेते हो, दूसरे से रिलीज करते हो, या फिर जो है वो ज़ोर ज़ोर से कपाल भारती वगैरह, ये सारे जो हैं दीज आर द मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट, जिसकी वजह से आप आपका जो भी एयर चैनल है आपके बॉडी के अंदर का, ठीक है, एयर पैसेज है, उसको आप क्लियर करते हो, ठीक है. तो ये मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट है. ऑफ दीज मूवमेंट सम मे बी रिफ्लेक्सेस बट अदर कैन बी इनिशिएटेड वॉलेंटरी, एग्जाम्पल कफिंग एंड यावनिंग. इस ये जो है वो इनमें से कुछ, सम ऑफ दीज जो है वो क्या हो सकते हैं, मूवमेंट सम मे बी रिफ्लेक्सेस, मतलब वो नेचुरल हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सेस हैं. लेकिन कुछ हैं जो आप वॉलेंटरीली, आप उसको कैसे इनिशिएट कर रहे हो, वॉलेंटरीली इनिशिएट कर रहे हो, जैसे कि कफिंग. कफिंग मतलब खांसना, जिसकी वजह से भी आप आपके बॉडी में या आपके गले में जो भी खराश है या जो भी बोल सकते हैं अनवांटेड चीज़ है, उसके समय में आप क्या कर रहे हो कि खांस रहे हो, तो आप वो पैसेज क्लियर कर रहे हो. यावनिंग, यावनिंग मतलब जो है वो जमाई लेना, जब आपको आलस आता है तो आप बड़ा सा मुंह फाड़ते हो. एक्चुअली ये बड़ा सा मुंह फाड़ना क्यों होता है, जो आपकी एनर्जी चली गई है, आपको आलस आ रहा है मतलब आप एनर्जी लेस हो गए हो, तो ऐसे समय में आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ेगी, इसकी वजह से हम ज़्यादा बड़ा मुंह खोलते हैं ताकि ज़्यादा हम एयर को अंदर ले सके, ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा सके, ताकि हमारी बॉडी जो डी एनर्जाइज्ड हो गई है उसको एनर्जाइज्ड कर सके, ठीक है. तो ये जो है वो ये वॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं, और कुछ इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं. तो इस तरह से जो है वो रेगुलर बेसिस पे ब्रीदिंग की प्रोसेस कैरी आउट होती है. आगे का जो भी टॉपिक है वो हम देखने वाले हमारे आने वाले वीडियो में. तो आज के लिए इतना ही. टिल देन थैंक यू वेरी मच.